जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप वाजिद अली बगदादी या ज़ीशान रोखड़ी के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल वाच करें। आज आपको इस वीडियो में वाजिद अली और ज़ीशान रोखड़ी के हालातों वाक़यात के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो से रहें बाखबर। और वीडियो करते हैं शुरू। नाजरीन, बात करते हैं वाजिद अली बगदादी के बारे में। वाजिद अली बगदादी का असल नाम वाजिद अली बगदादी है। इनको पीरो मुर्शद शाह हबीब गिलानी से लकब मिला है। वाजिद अली बगदादी के वालिद का नाम मियां जफर है, जो कि 2017 में वफात पा गए थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो वाजिद अली बगदादी के तीन भाई हैं। वाजिद अली बगदादी को बचपन ही से गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जो आज तक बरकरार है। 2001 में वाजिद अली बगदादी ने अपना पहला एल्बम टीपी गोल्ड की जानब से रिलीज़ करवाया, जो कि लोगों ने पसंद नहीं किया। इसके बाद वाजिद अली बगदादी ने कई एल्बम रिलीज़ करवाए। साडा तू ही को है के यार ये ओ दुआ कोई नहीं बनाया। 2009 में साडा तू ही को है के यार इस गीत ने वाजिद अली बगदादी की पूरी दुनिया में पहचान करा दी। 2018 में एक बार फिर किस्मत ने साथ दिया। एक तरफ सोने दी चूड़ी और दूसरी तरफ नशा सजना दा होंदा है, इन दोनों सॉन्ग ने एक अहम रिकॉर्ड कैम कर दिया। इतना व्यूज रैकी के किसी गीत को नहीं आया। जख्मी ढोल विसार न छोड़े मुझा दे विच मार न छोड़े सानू बुलाया न कर दिल तू भुलाया न कर साडा तू ही को गम खार है दुआ कोई नहीं बनाया। साडा तू ही को है के यार ये दुआ कोई नहीं बनाया। बात करते हैं पाकिस्तान के मशहूर सिंगर ज़ीशान खान रोखड़ी के बारे में। ज़ीशान खान रोखड़ी पाकिस्तान का वो किरदार है जिसने बहुत कम अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। ज़ीशान खान रोखड़ी का असल नाम ज़ीशान खान है, रोखड़ी इनके गांव का नाम है, इसी वजह से अपने नाम के साथ रोखड़ी तखल्लुस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ज़ीशान खान रोखड़ी मशहूर और मरूफ सिंगर शफाउल्ला रोखड़ी के साहबजादे हैं, जो कि अल्लाह को प्यारे हो गए थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। ज़ीशान खान रोखड़ी शायद गुलकारी के मैदान में कदम ना रखते, लेकिन अपने वालिद की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम उठाना पड़ा। ज़ीशान खान रोखड़ी ने अपना पहला सॉन्ग कोई रोही याद करेंदी है रिकॉर्ड करवाया, जो कि लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके बाद ज़ीशान खान रोखड़ी गुलकारी की तरफ रुख कर लिया। ज़ीशान रोखड़ी ने किसी कंपनी के साथ काम नहीं किया, बल्कि इनका अपना जाती ऑफिशियल चैनल रोखड़ी प्रोडक्शन के नाम से है और ये टिकटॉक स्टार भी हैं। इनके 5 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई सावल पतना ते रब दाना ढोला हुण वल्लिया वतना ते कोई रोही याद करेंदी ढोला वाला तू अलत हा सनेड़े देंदी ढोला वाला तू कोई रोही याद करेंदी ढोला।